संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। आज उन्होंने हड़ताल के तीसरे दिन भाजपा कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा अपनी दो सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर धरना दिया जा रहा है, जिसका आज तीसरा दिन है। अपनी मांगे मंजूर नहीं होने से नाराज संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने आज दोपहर को भाजपा कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि सरकार हट धर्मिता अपनाते हुए हमारी जायज मांगे पूरी नहीं कर रही है और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी हम विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। शोक नहीं ये मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारा विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ है। सरकार अपना पक्ष जो है मजबूती से नहीं रख पा रही, उनके IAS अफसर उनकी नहीं सुन रहे हैं। मैं अपनी मीडिया के माध्यम से अपने सरकार को यह संदेश देना चाहता हूं कि वे जो 5 जून 2018 की नीति उन्हीं के द्वारा तैयार की गई है उस नीति को लागू करें। अन्य विभागों में जिस प्रकार से उन्होंने लागू कर दी गई है उसी प्रकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत कर्मचारियों को भी उस नीति का पूर्ण रूप से लाभ दिया जाए। जी, हमारी जो दो मुख्य मांगे हैं वो है, एक तो हमारा नियमितीकरण हो और जब तक नियमितीकरण की प्रक्रिया प्रोसेस में है तब तक हम पर 5 जून 2018 की नीति लागू करके हमको 90% जो परमानेंट लोग होते हैं उनके अकॉर्डिंग 90% सैलरी हमको दी जाए। साथ ही जो हमारे CHO ग्रेडर है उनको मिड लेवल हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर के अंतर्गत शामिल किया जाए, ये हमारी पहली मांग है। और दूसरी मांग हमारी है कि जितने भी हमारे NHM के ऐसे कर्मचारी सपोर्ट स्टाफ जिनको NHM से हटा के और आउटसोर्स में डाल दिया गया है उनकी पुनः बहाली हो, पद समाप्ति के नाम पे जिनका निष्कासन हुआ उनकी वापस विभाग में वापसी हो। हमारी ये दो प्रमुख मांगे हैं और हम शासन से निवेदन कर रहे हैं और जो हमारे विभाग में बड़े होते जो लोग बैठे हैं जो इस नीति का लाभ हमको नहीं दे रहे हैं क्योंकि प्रशासन ने ये नीति बना दी है, बाकी विभागों ने ये नीति लागू भी कर दी, अपने कर्मचारियों को इसका लाभ भी दिया है, तो हमारे विभाग में जो बैठे हैं जो हम ये नीति का लाभ हमको दे तो उनसे हमारा एक बार और निवेदन है कि वो हमको लाभ दे।